गोरखा जनमुक्ति मोर्चा ने आज दार्जिलिंग में सभी राजनीतिक दलों की बैठक बुलाई, जिसमें तृणमूल कांग्रेस ने हिस्सा नहीं लिया। इलाके में 9 दिन से बंद जारी है, जिसमें 4 लोगों की मौत हो चुकी है। देखिए ये रिपोर्ट। अलग गोरखालैंड राज्य की मांग को लेकर गोरखा जनमुक्ति मोर्चे का आंदोलन अभी भी जारी है। दार्जिलिंग बंद के 9वें दिन मंगलवार को गोरखा जनमुक्ति मोर्चे ने ऑल पार्टी मीटिंग बुलाई, जिसमें पहाड़ी हिस्से के लगभग सभी राजनीतिक दल शामिल हुए। इस मीटिंग में आगे की रणनीति पर फैसला लिया गया। इस मीटिंग में टीएमसी शामिल नहीं हुई। उधर अलग गोरखालैंड राज्य की मांग को लेकर दूसरे राज्यों में भी प्रदर्शन हो रहे हैं। बेंगलुरु में जीजेएम समर्थकों ने प्रदर्शन कर रैली निकाली। इस बीच पश्चिम बंगाल सरकार ने दार्जिलिंग हिंसा को लेकर गृह मंत्रालय को अपनी रिपोर्ट सौंप दी है। रिपोर्ट में राज्य सरकार ने हिंसा के लिए जीजेएम नेताओं को जिम्मेदार ठहराते हुए कहा कि गोरखा टेरिटोरियल एडमिनिस्ट्रेशन के चुनाव होने हैं और इसलिए ये सब किया गया। ब्यूरो रिपोर्ट, गो न्यूज़।